ले जनाब अगर आपने पिछले लेक्चर सुने तो आपको पता होगा कि रिग्रेशन क्लासिफिकेशन और न्यूरल नेटवर्क में क्या डिफरेंसेस हैं एक्टिवेशन फंक्शन क्या है और हिडन लेयर्स कितनी यूज करनी है मैंने बड़ी डिटेल में वो चीजें भी बताई हुई हैं इन दिस एग्जाम्पल वी विल सी के रिग्रेशन प्रॉब्लम कैसे काम करती है इन टेंो मैंने पहले भी इस पर बड़ा एम्फोसिस किया लेकिन आई एम गोइंग टू शो यू अगैन और इसमें हम बड़ी जल्दी जल्दी इन चीजों को देखेंगे क्योंकि मैंने पहले आपको बताया हुआ है ये सब कुछ बट स्टिल इफ यू आर न्यू टू दिस वीडियो आपसे रिकमेंडेशन मैं ये करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए कि कौन कौन सी चीजें देखनी है सो so यहाँ पे अगर आप गौर करें अगेन मैंने हमेशा मेरी आदत है मैं टें फ्लो का वर्जन जरूर रन करके देखता हूँ कि मेरे पास कौन सा चल रहा है रीजन क्या है क्योंकि अगर आपकी आउटपुट और आपके पास फंक्शनैलिटी चेंज है अगर आप एक साल के बाद वीडियोज देख रहे हैं या लेक्चर आपके पास सेम है और एक डेढ़ साल हो गया तो हो सकता है ये कोड चेंज हो जाए और अक्सर औकात ऐसा होता है जैसे पाइथन टू और पाइथन थ्री जब आया था इनमें बड़ा फर्क आ गया था कोडिंग के अंदर ही ये जो पैरेंथेसिस हम लगाते हैं उसमें पैरेंथेसिस नहीं होती थी सो so, इस वजह से वर्जन बताना जरूरी होता है हम क्या कर रहे हैं हमने फिर लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना ऑब्वियसली एंड देन हम डेटा को इंपोर्ट करते हैं ये यहां से इस तरीके से मैंने डायमंड्स का डेटा किया इंपोर्ट और मैं आपको दिखाता हूँ ये डायमंड का डेटा है और यहाँ पे अगर आप डी एफ डॉट शेप करेंगे तो आपको पता होगा कि डायमंड के डेटा की जो शेप है दैट इज रियली अ बिग डेटा सेट त्रिपन हजार नौ सौ चालीस रोज है इसकी दस इसके कॉलम्स दस कॉलमाले त्रिपन हजार नौ सौ चालीस ठीक है, इसकी रोज है। तो ये बहुत बड़ा डेटा सेट है आपको यही दिखाने के लिए कि डेटा बड़ा हो छोटा हो दरम्याना हो, आर ऑलवेज सिमिलर अब इन इस मेथड को यूटिलाइज करते हुए आज हम देखेंगे कि किस तरीके से ये हमें रिग्रेशन की प्रॉब्लम के अंदर हेल्प कर सकता है हमने प्री प्रोसेसिंग स्टार्ट की हम प्राइस को प्रोडिक्ट करना चाहते हैं डायमंड की ये हमारे है, हम को y पे रख रहे हैं क्योंकि है, को y पे रखा, बाकी सारे एक्स पे सही है तीन हमारे कट कलर एंड क्लैरिटी डायमंड के डेटा सेट के अंदर इसको हमने कर लिया लेबल इन कोड ठीक है हमने टेस्ट सप्लेक्ट किया डेटा को में करने के बाद हमारे पास स्टैंडर्ड तो स्केल नहीं करना इसी वजह से जो term use होती है दैट इज कॉल्ड एज फीचर स्केलिंग फीचर स्केलिंग अच्छा अब मैं इसको रन करता हूँ इस कोड को और ये मेरे पास रन हो चुका है ठीक है मिली सेकेंड्स के अंदर बट यू विल सी नाउ इन क्या होता है यहाँ पे फिर मैंने एक मॉडल पूरा क्रिएट किया अब दोबारा से आपको बार बार मॉडल दिखाने का आ, मकसद यह है कि आपको समझ आए कि चल क्या रहा है यहां पे हमारे पास टोटल लेयर्स हैं एक दो तीन चार लेयर्स ये जैसे ही हम लिखते हैं लेयर्स टीएफ के रास लेयर वन ले चार लेयर्स का हमारा मॉडल है चार लेयर्स का मॉडल है एक पहली लेयर को हम कहते हैं इनपुट लेयर कोई एक्टिवेशन फंक्शन नहीं होता आपका क्वेश्चन था एक्टिवेशन फंक्शन कब कहां कैसे होते हैं जितने हमारे पास कॉलम्सर यहां तक क्लियर होगी अब चलते हैं दूसरी लेयर पे है हमारी दूसरी लेयर जिसको हम हिडन लेयर कहते हैं इसमें न्यूरॉन्स की वैल्यू आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कि एक रख दें। इसका मतलब क्या है जो पिछली लेयर से इंफॉर्मेशन आनी है अगली लेयर में, जो भी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर ड्रॉ करके भी दिखाने वाला हूँ वो दोनों लेयर्स की इंटरेक्शन बड़ा डिपेंड करता है नेटवर्क बनाने के लिए अगर पीछे दस आपके पास

क्योंकि ये फंक्शन पीछे से लीनियर इक्वेशन या है अगर इसकी शेप आपको मालूम है और आपने एक्टिवेशन फंक्शन की वीडियो देखी ये सिक्सटीन न्यूरॉन्स अगर इसके पास आप रखते हैं तो यहाँ पे सिक्सटीन आ जाएगा थर्टी टू करेंगे तो थर्टी टू मैं यहाँ पे थर्टी टू करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ क्योंकि मैंने ये गलत लिखा हुआ था समझाने के लिए तो दूसरी लेयर आप हिडन एक और भी ऐड कर सकते हैं ना भी करें मैटर लेकिन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए और चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए अपने लॉस को पहले से डील करने के लिए यूजुअली लोग तीन से चार हिडन लेयर्स रखते हैं एंड दीज हिडन लेयर्स कम्स ऑन द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज ये एक हिडन लेयर का मतलब है जितने न्यूरॉन्स है उतनी दफा मॉडल दोबारा रन कर रहा है और ई उतना ही टाइम ले रहे हैं सो so,

क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम होती तो आपका एक्टिवेशन फंक्शन मस्ट था अगर क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम होती रिग्रेशन की है डोंट नीड एनी एक्टिवेशन फंक्शन और लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन जो मैंने आपको पहले बताया होम्योपैथिक होता है सो दैट देर इज नो हार्म ऑफ यूजिंग दैट और नॉट यूजिंग दैट अब अगर क्लासिफिकेशन की होगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा कब एक्टिवेशन फंक्शन यूज करना है क्योंकि अब हमें कोई नहीं यूज करना हम इसको स्किप करते हैं अब यहां पे इसको मैं रन करता हूं डायरेक्टली हमारे पास इसने मुझे बताया कि ये आपकी मेटल डिवाइस है जो भी आपकी डिवाइस है ये इसका सिस्टम है और ये आपका मॉडल रन कर पड़ा है मतलब मॉडल आपका यहां पे आपने क्रिएट कर लिया ठीक है थीके? और ये नंबर ऑफ लेयर्स आपने खुद डिसाइड करनी होती है अब दो से चलते हैं तीन चार पांच छप टू यू कितना बड़ा डेटा और कितनी लेयर्स आपने रखनी है देन अगली चीज होती है आपकी मॉडल कंपाइलेशन यानी कि आपने मॉडल को लॉस और ऑप्टिमाइजर फंक्शन के साथ अटैच करना है वो कोई भी हो सकता है आप इसको रन करें ये डायरेक्टली अटैच हो जाएगा यानी कि जो पिछला मॉडल आपने क्रिएट किया था लेयर्स का उसके अंदर अब आपने मसाले ऐड किए हैं पिछली बिरयानी जो बनी थी बहुत अच्छी बन गई उसके अंदर फर्दर आपने रायता चटनी वगैरह ऐड की है कि खाने के लिए समझ गए बात मॉडल बना लिया साथ में रायता और चटनी रायता चटनी है, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा सलाद वगैरह वो आपने यहाँ पे ऐड कर ली ऑप्टिमाइजर आप चटनी समझ लें ये जो लॉस है आप ये समझ लें जो बाद में सी होती है समझ रहे है? तो जितनी सी होती है उसे हवाले से आप इसमें मसाले ऐड करते जा रहे हैं अच्छा मॉडल कंपाइल हो गया ठीक है मतलब मॉडल बना पहले या फिर कंपाइलेशन होगी फिर आप कहते हैं कि कितने बंदों को ये बिरयानी अच्छी लगी और कितनों को ना अच्छी लगी सो आप एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन यानी कि आप बताते हैं डेटा को लेबल्स देके सुपरवाइज लर्निंग वाला कि ये भी हमारे पास डेटा है ई पॉक्स आपके चार हैं वर्बोस वन है वैलिडेटेड वैलिडेशन स्प्लिट जो है वो आपके पास पॉइंट टू है ये वैलिडेशन के बारे में हम जरूर बात करने वाले हैं आज ही आज के लेक्चर में फॉर नाउ कीप इन माइंड कि वैलिडेशन क्या होती है अब मैं आपको समझाता हूं एक होता है डेटा टेस्ट के लिए एक होता है ट्रेन के लिए और एक होता है वैलिडेशन के लिए मैं दोबारा आपको समझाता हूं एक सबसे पहले एक बच्चा है बच्चा मॉडल समझ लें जो स्कूल में जाता है वो बच्चा जब क्लास में उसे ट्रेन किया जा रहा होता है उसको कहते हैं ट्रेनिंग ऐसे ही है ना जब उसको डेटा दिया जा रहा होता है कि ये बे, बकरी इस तरीके से जब उसे ट्रेन किया जा रहा है वो है ट्रेनिंग हो रही उसकी उस ट्रेनिंग के दौरान दौरान अगर बच्चे से पूछा जाए हाँ भी बताओ ए फॉर क्या है तो वो अगर बता दे ठीक है अगर ना बताए तो वो लॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा अगर बता दे तो ठीक है जी लॉस बहुत कम है ना बताए तो वो लॉस के अंदर हो जाएगा मीन्स टू से ट्रेनिंग के दौरान जब आप कुछ पूछ रहे हैं उसको बोलते हैं ट्रेनिंग लॉस कॉन्सेप्ट समझिएगा ट्रेनिंग के दौरान जो चीज आप उससे टेस्ट कर रहे हैं उसको कहते हैं ट्रेनिंग लॉस फिर आता है एक वैलिडेशन लॉस आप क्या कर रहे हैं बच्चे को तीस दिन पढ़ाने के बाद महीने बाद एक टेस्ट ले रहे हैं महीने बाद आप जो टेस्ट ले रहे हैं जिसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं जिसको क्विज टेस्ट आप बोल सकते हैं तो आप फिर बच्चे से बुझा बताओ ए फॉर क्या है एप्पल बी फॉर बॉल सी फॉर कै डी फॉर डॉक्टर या डेटा साइंटिस्ट तो वो क्या करते हैं वो बच्चा आपको अगर सही बताता है इसका मतलब उसका लॉस कम है उसने जो पीछे सीखा है वो सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है इसको हम बोल देते हैं वैलिडेशन यानी कि जो हमने ट्रेन किया उसको वैलिड वैलिडेट भी खुद ही किया यहां तक समझ आ गई फिर तीसरी चीज आती है टेस्टिंग टेस्टिंग क्या होती है साल के एंड पे जो बच्चे के पेपर होते हैं साल के एंड पे जो पेपर हो रहे हैं वो पिछली ट्रेनिंग पिछली वैलिडेशन की बेस पे बच्चे को ट्रेन किया जा रहा है और एट द एंड जो उसके टेस्टिंग होती है उसकी बेस पे जो लॉस होता है उसको टेस्ट लॉस हैं है। तो हमारे पास तीन किस्म के लॉस होते हैं जिसको हम ट्रेनिंग लॉस वैलिडेशन लॉस और टेस्ट लॉस बोलते हैं इसी तरह हैं ट्रेनिंग एक्यूरेसी एक्यूरेसी वैलिडेशन एंड टेस्ट एक्यूरेसी एक्यूरेसी होती है सो एंड लॉस इस तरह के चलते हैं ये चीजें आपको याद रहेंगी अब वैलिडेशन क्या है जब हम डेटा ट्रेन कर रहे हैं उसमें से पॉइंट टू परसेंट डेटा रख रहे हैं बच्चे से पूछने के लिए ट्रेनिंग के दौरान कि भाई ये क्या है और उसकी बेस पे भी इंप्रूव हो रही है सॉरी ट्वेंटी परसेंट समझ गई यहां तक बात इसकी तो अब हमारे डेटा के तीन स्प्लिट हैं ट्रेन वैलिडेशन एंड टेस्ट अच्छा हमने ट्रेन टेस्ट पीछे स्प्लिट किया था अब ट्रेनिंग के अंदर से हमने ये वाला वैलिडेशन निकाल लिया और मेरे पास यहाँ पे चार ईपॉक्स है क्यों रखी आपको समझ आ आ गई होगी अब मैं इसको करता हूं। ये चेक करें। ये करें जो प्रोग्रेस बार आ रही है ना क्योंकि मेरे पास हजार रोज का डेटा भी ऐसे चल पड़ा था समझ आई बात की इसलिए आपके पीसी का अच्छा होना जरूरी है अब अगर इसमें बैट साइज भी लगा दो इसका टाइम और भी इंक्रीज कर जाएगा आप चेक करें इसको कहते प्रोग्रेस बार अगर आपकी वर्बोस वन होगी तब भी ये नजर आएंगी थ्री होगी तो नहीं नजर आए टू होगी तो ये नजर नहीं आएंगी ठीक है समझ आ गई यहां तक आपको होपफुली आपको समझ आ रही होगी कि किस तरीके से ट्रेनिंग वैलिडेशन एंड टेस्टिंग लॉस वगैरह हमारे जो है वो काम करते हैं अब मैंने इसे रन किया मेरे पास ये सारा कुछ ट्रेन हो गया मतलब मॉडल ट्रेन हो गया अब हम मॉडल को अवेलुएट करते हैं यहाँ पे ले जना मॉडल वैल्यूएशन जल्दी हो जाएगी बिकॉज इट्स ऑलरेडी बिन ट्रेन

अच्छा मैं यहां पे अगर बैट साइज 128 की बजाय 32 कर दूं इसने अब टाइम कितना लिया था अगर मैं यहां पे परसेंट टाइम परसेंट टाइम जस्ट अ मिनट कमांड मैजिक कमांड थी जो मैंने यहां पे भी यूज की हुई है रिग्रेशन के अंदर यस yes, परसेंट परसेंट टाइम दैट इज परसेंट परसेंट टाइम और ये मैं यहाँ पे इसको ई पॉक्स को चार रहने देता हूं और बैट साइज़ इतना कर देते हैं। टाइम नॉट फाउंड परसेंट तो इसका टाइम थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा अगर आप बैट साइज को इंक्रीज करते जाए <coughs> तो बैट साइज बड़ा मैटर करता है बाय द वे ये कितने प्रो, प्रोसेस को एक ही टाइम पे करना है अगर आपकी रैम बत्तीस जी है सो आई थिंक बैट साइज बत्तीस जो है वो अच्छा चलेगा सोलह पे भी चल जाएगा आठ है तो उसका बैट साइज ना ही ऑटोमेटिकली खुद से वो पूरे का पूरा बैट साइज ले ये नौ सेकेंड लगने नौ सेकंड टोटल लेकिन नाइन मिली सेकेंड पर स्टेप ठीक है तो ये टाइम इस तरीके से इसका कैलकुलेटर हो रहा है कैलकुलेट हो रहा है ओके okay. तो यहाँ पे हमारे पास टोटल इस तरीके से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं मैजिक कमांड मेरे जेन से निकल गई है किस तरीके से टाइम कैलकुलेट करता है सो आई थिंक एंड पे भी इसको लगाना था लेट मी सी इट अगेन क्योंकि ये यह मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया था टाइम यहाँ पे चलो इसको बाद में देखते हैं खैर तो इस तरीके से आप इसे रन करेंगे यहाँ पे इसको वैलिडेट कर लेंगे अब एक चीज जो हमारे माइंड में और आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कितने ईपॉक्स बेस्ट हैं जो आपका भी क्वेश्चन था ईपॉक्स का मतलब है कि एक दफा फॉरवर्ड में कोई चीज गई और बैकवर्ड आ रही है ईपॉक्स की आपको समझ है क्या होता है कोई इश्यू तो नहीं है आपको ईपॉक्स को समझने में अगर है तो आप मुझे बता सकते हैं कि ईपॉक्स को समझने में ये फ्लाम प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है सो वी कैन अ लुक इट लुक इन टू इटा ठीक है ऑल क्लियर तो दैट्स फाइन एक फंक्शन है जिसका नाम है कॉल बैक फंक्शन ये अर्ली स्टॉप कर देगा आपके ईपॉक्स को अगर ट्रेनिंग वैलिडेशन और टेस्टिंग इनके लॉस के अंदर कोई चेंज ना आए मतलब मैं कहता हूं कि दस ई चलाने के बाद देर इज नो चेंज फॉर ट्रेनिंग और वैलिडेशन और टेस्टिंग तो हम क्या करेंगे क्या ईपॉक्स सारे चलाएंगे चार सौ के चार सौ या चार सौ पांच सौ या पांच सौ नहीं ना तो हम मैक्सिमम नंबर दे देते हैं जहां पे वो एक स्पेसिफिक हमारा क्राइटेरिया पूरा होता है वहीं पे वो लूप टूट जाएगा ऑटोमेटिकली हमारा मॉडल वहीं तक ट्रेन होगा सो दैट इज वाई वी यूज दिस फंक्शन कॉल अर्ली स्टॉपिंग और ये कॉल बैक फंक्शन भी इसे बोलते हैं टेंसर फ्लो के अंदर ये होता है आप अर्ली स्टॉपिंग डिफाइन करते हैं जैसे मैंने यहां पे डिफाइन किया कि अर्ली स्टॉपिंग कब हो आप वेलिडेशन लॉस को मैयर करते जाओ ठीक है और इसको मोनिटर करते जाओ यानी कि वेलिडेशन लॉस को हर तीस दिन बाद वेलिडेशन लॉस को चेक करते जाओ या जो मैंने आपको तरीका तरीकाकार पहले बताया था तीस मिनट बाद वो एग्जाम्पल के जुमरे में, में कह रहा हूं पेशेंस का मतलब है कि जब एक दफा चेंज नहीं आई तो रुको जरा सबर करो बंद ना करो अभी अगले को देखो फिर चेंज नहीं आई फिर अगले को देखो यानी कि टू का पेशेंस होना चाहिए आपके पास दो ईपॉक्स का समझ आई बात की कि एक दफा अगर चेंज नहीं आई जो पिछले की है वही रही इससे आगे दो और चेक करो अगर मैं यहां पे बीस रख देता हूं मैंने टोटल चार सौ रन किए और मैं बीस का पेशेंस लिखा लिख के यहाँ पे रख देता हूँ तो जब हमारे पास चेंज आनी स्टार्ट चेंज आनी रुक जाएगी उसके बाद ये ये और चलाएगा समझ आई पेशेंस का मतलब है कि रुको बंद नहीं करना सबर करो तो मैं यहाँ पे दो रखता हूँ फिलहाल के लिए और रिस्टोर बेस्ट वेट्स रिस्टोर बेस्ट वेट्स का मतलब ये है कि आपका जो मॉडल के बेस्ट वेट है ना जहां पे बेस्ट परफॉर्मेंस आई है यानी कि जहां पे आपका मॉडल पीछे जो इनपुट लेयर से बेस्ट वेट्स एंड लेके आ गया है 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 और उसकी सबसे लो लो हमारे पास वैलिडेशन उसको लो. उसको रिस्टोर कर कर यानी कि कि मॉडल मॉडल के अंदर फाइनलाइज दो ये ये हमारा है. मैं आपको ये सारी थ्योरी वैलिडेशन लेकेट ये देते हैं here, जो आपने पे बनाया था. समझ तो एक एक्स्ट्रा कमांड आ गई कॉल बैक फंक्शन की होता क्या है जब आप इसे रन करते हैं इट टेक्स ऑफ टाइम लेकिन मैं पर रन करके बताता हूं कि हमने पांच ई रखे हैं और दो का हमने फर्क बताया मैं इसको रन करता हूँ मैंने इस वजह से पांच रखे हैं मैं यहाँ पे चार सौ भी रख सकता था डायमंड का डेटा इतना बड़ा इट टेक्स ऑफ टाइम टू रन दीज ई तो इस वजह से मैंने पांच रखे हैं कि चलो पांच पे ये चले और हमें बताया कि क्या चल रहा है लेकिन आपको अगर विजिबल कोई चीज नजर न आई द सेम थिंग ऑन टिप्स डेटा सेट ताकि कॉल बैक फंक्शन आपको समझ आ जाए कॉल बैक का मकसद यही है कि जब आपका मकसद पूरा हो गया वहीं पे रोक दो तो आप ईपॉक्स के नंबर चलाने के बजाय जितना रिक्वायर्ड नंबर है उसको चलाने के बजाय आप वैलिडेशन लॉस को बताते हो कि जहां पे चेंज ना हो ठीक है ये पांच रन किए पांच से पहले नहीं रुका तो इसका मतलब ये है कि हमें नंबर इंक्रीज करने हैं तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ इपॉक्स जितने चले वो भी देख सकते हैं बाय द वे इसको समझने का एक और तरीका है आप अपने मॉडल की ये जो वैल्यूज चली है ना यहाँ पे लॉस इतना आया वैलिडेशन इतनी लॉस इतना वैलिडेशन इतनी लॉस इतना वैलिडेशन इतनी लॉस इतना वैलिडेशन इतनी।, इतनी अगर ये डेटा आप सेव करते जाए और इस डेटा का एक्स और वाई एक्सेस पे प्लॉट बना लें क्या ख्याल है मिसाल के तौर पे ये पहला ईपॉक चला है इसका लॉस लॉस इतना इतना था, वैलिडेशन, वैलिडेशन इतना, इतना, इतना। कोई uh, को हिस्ट्री का नाम दे दें दे या कोई भी दे दे दे। तो ये सारा कुछ इसके अंदर स्टोर हो जाएगा मतलब जब मैं हिस्ट्री को रन करता हूं अब हमारा मॉडल ट्रेन भी होगा और हिस्ट्री के अंदर इसकी वैल्यू स्टोर भी हो जाएंगी और उन वैल्यूज को हम बाद में प्रिंट आउट करवा के ग्राफ बना लेंगे जहां से हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी अच्छा इस तरीके से हमने देखा है कि वैलिडेशन लॉस और टेस्टिंग लॉस किस तरीके से हमारा रिड्यूस किया गया और ये आपका क्वेश्चन भी था कि कितने यूज करने इस वजह से मैं ये इस पॉइंट को ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे ये रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों के लिए सिमिलर वे में काम करेगा सिर्फ हमारा जो मोनिटर वाली चीज है ना ये चेंज हो जाएगी यहाँ पे ठीक है सो वी सी ये हमारे पास जनाब हिस्ट्री के अंदर सेव हो रहा है मैं भी आपको दिखाता हूँ इसका क्या मकसद है मेन क्योंकि ये डायमंड का डेटा बड़ा बड़ा डेटा है तो हमने पांच ई रन किए ये सेव हो गया अब हम इसको प्लॉट करते हैं हिस्ट्री का लॉस और वैलिडेशन लॉस यानी कि जो हमारे पास लॉस सिंपल है टेस्टिंग लॉस जिसे हम कह सकते हैं सॉरी ट्रेनिंग लॉस एंड वैलिडेशन लॉस इन दोनों को हम प्लॉट करेंगे एक लाइन प्लॉट के थ्रू लाइक दिस ये चेक करें तो यहां पे क्या हो रहा है हम नंबर ऑफ ई एक्स पे रख रहे हैं और और लॉस लॉस हमारा पे है, ट्रेनिंग और वैलिडेशन ये दोनों है। सही है? हमने आपका न्यूरल नेटवर्क कितना अच्छा ट्रेन है ये कर्व के ऊपर और इस पर आज पूरा एक लेक्चर हमारा और भी है तो मैं अभी इसको आगे लेके चलता हूं अब आप चेक करें अगर हम यहीं पे इसको ट्रेनिंग और वैलिडेशन को सॉरी मेरा माउस उल्टा चलने लग गया अगर हम यहाँ पे पांच ई करते हैं और यहाँ पे अर्ली स्टॉपिंग का फंक्शन देते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा ठीक है ये हमारे पास टोटल ट्रेनिंग और वैलिडेशन की कर्व आ जाएंगी आप इस तरीके से उसको प्लॉट कर सकते हैं अब मैं आपको टिप्स के डेटा पैट डेटा सेट पर सारी चीजें वन बाय वन करके दोबारा से समझाता हूँ ईजी वे में क्योंकि ये स्पीड अप होगा काम हमने डेटा लोड किया टिप्स का रिग्रेशन प्रॉब्लम कैसे करते हैं

और यहाँ पे हमारी ये इनपुट शेप है इनपुट मैंने रखी हैं। भी और मैंने रखे हैं। so well, एक हमारे पास आउटपुट मॉडल को यहाँ पे हमने कंपाइल किया अर्ली स्टॉपिंग मैंने बता दी कि पांच ई का पेशेंस रखो फिर आगे देखो कि क्या चल रहा है और टोटल मैं 300 सो चला रहा हूं इस दफा 300 सो क्योंकि टिप्स का डेटा छोटा है, वी विल हैव अ लुक कि क्या पूरे 300 चलते हैं कि और बाकी चीजों को चेक भी करेंगे और यूजुअली इट वर्क्स इन अ वे कि आपके बेस्ट मॉडल के वेट्स भी रिस्टोर हो जाएंगे यानी कि जो बेस्ट मॉडल होगा बेस्ट पॉसिबल मॉडल हमारे पास ट्रेन होगा एट अब रन करता हूं रन ये देखिएगा ये कितनी स्पीड से चल रहे हैं और आप चेक करें कितने चल रहे हैं जी पचास सत्तर अस्सी नब्बे सौ दो बारह चले हैं टोटली बॉक्स मतलब ये कि दो बारह के प्लस माइनस ट्वेंटी में कोई चेंज नहीं है और आप अगर गौर करें यहां से हमारा लॉस जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हुआ यानी कि मिनिमम पॉसिबल हमारे अगर चालीस होते तो हमारा मिनिमम लॉस होता यानी कि मॉडल यहां पे भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था लेकिन ये जो थोड़ी स्लाइड चेंज है ना अगर आप इसकी कर्व को देखें हमारा लॉस जो है वाई एक्सिस पे लॉस है ट्रेनिंग और वैलिडेशन का लॉस कम हो रहा है और एक ऐसा पॉइंट आया 200 के पास जाके जिसके 20 प्लस हमने एक्स्ट्रा ई चलाए हैं वहां से आगे हमारा ईपॉक चलाने का को कोई मकसद नहीं है दैट मीन्स हमारा मॉडल वहां पे अच्छा परफॉर्म कर गया अगर मैं इसको दोबारा दिखाऊं मैं यहाँ पे दोबारा एक चेंज करता पेशेंस सॉरी पांच का रखा था मैंने मैं ये पेशेंस रख लेता पच्चीस का लेट्स सी अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ देखिएगा पिछली दफा कितने चले थे दो सौ बारह समथिंग ठीक है लेट्स सी अब कितना चलता है कम चलने चाहिए अकॉर्डिंग टू द दम्पन लेकिन अगर उतने भी दैट्स फाइन वी विल सी एक सौ उनहत्तर समझ आई सो so, आपके कम ई चलेंगे क्योंकि अब चेंज नहीं आ रही हो सकता है जब आपने बीस रखे ना तो पंद्रह सोलह पे जाके वो दोबारा से रिड्यूस होनी स्टार्ट हो गई समझ रहे हैं बात को लॉस जो है तो बेसिक मकसद न्यूरल नेटवर्क का ये है कि ये खुद से अडेप्ट करता है चीजों को अडेप्टेशन का पता है ना आपको अब जो मैंने कल एग्जाम्पल में बताया था कि जब आप लॉस को मैय कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली रन कर कर करेंगे जब तक हमारे पास नहीं आ हम कहेंगे वो बेस्ट मॉडल है हमारे पास एंड दिस इज हाउ यू ट्रेन आर रिग्रेशन मॉडल आप इस मॉडल को यूज भी कर सकते हैं पिकल के थ्रू और फर्दर यूटिलाइज भी कर सकते हैं uh, वैल्यूज उसके लिए मॉडल डॉट प्रोडिक्ट का फंक्शन यूज कर लें प्र और आपने बकायदा बताना है एक्स टेस्ट की पांच वैल्यूज को हम लेके यहाँ प्रोडिक्ट कर लेते हैं तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे टिप्स की तो एक्स टेस्ट में से सिर्फ पांच इंडेक्स हमने लिए और उनको प्रोडिक्ट किया ये आप खुद से भी एड कर सकते हैं एक्स की वैल्यूज और आपका मॉडल आपको रिजल्ट देगा तो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली हैव अ लुक ऑन रिग्रेशन प्रॉब्लम और आपको कॉल बैक फंक्शन का भी पता चल गया एंड आपको ये भी पता चल गया कि मॉडल किस तरीके से हम ऑप्टिमाइज करते हैं और मल्टीपल ई चला के हम बेस्ट न्यूरल नेटवर्क को कैसे डिजाइन कर सकते हैं